ताको ओ देवेरो वाला जी ये हमारी गाय बहुत बदमाश है, हिल रही नहीं है। सृष्टि मम्मी ने इसको अंदर डाल दिया है। तो इसका सृष्टि माँ के पास में बैठो तो। हाँ बैठो, अब इधर देखो, दोनों देखो तो। हाँ अब देख जो, सृष्टि माँ से प्यार कर रही है और सृष्टि की माँ दूध निकाल रही है। अब उदय वसु हाय, तुम उठो सृष्टि, जोनी जोनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब अबाउट व्हाट सो हाई। आगे मेरे याद नहीं है, मैं भूल गई। मैम ने क्या बताया? उठाओ तो तुम उठाओ, हाय क्रो। क्या हो सृष्टि, क्या करोगी, कौन क्या देखोगी आज? क्या देखती हो? क्यों तारक मत, क्या था उसमें? थोड़ा बहुत, एक मिनट रुक जा। तो ये सृष्टि को मोबाइल देखने की लगी हुई है। आज तो ठीक है, बंदी 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 जोर आ रहा है ना?
ये दोनों बहने प्यार कर रही है सृष्टि से, गुड्डू समझ रही नहीं है। अरे गुड्डू का मुंह तो दिखाओ। ये आप आज आपको दिखाते हैं तरबूज की खेती के लिए खाद डाली हम क्या है कि जो भी तरबूज की खेती कुछ भी खेती करते हैं उसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, हम गोबर की खाद जो पशुओं से हमें प्राप्त होती है उसी का यूज करते हैं। तो देखो ये ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी हुई है, इसकी सहायता से ये खाद को खिंडाने का काम किया जाता है। देखो किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर तरबूज की खेती की जाएगी, आइस बॉक्स तरबूज होता है उसकी खेती की जाएगी, उसके लिए खाद डाली गई है और उसको अब फैलाने का काम किया जा रहा है। देखो जितने भी खाद ये ऐसी डेयरी उधर पड़ी थी पूरी डेयरियों को फैला दिया है। ये अपनी सृष्टि आ रही है। सृष्टि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रैक्टर क्या कर रहा है? ये पंखा है बेटा। ये अपना मंदिर है। ये अपना घर है। कौन अंगेराई गे जैनी बाबा थारी ओ से आई ओ चारू थे मैं बाबा जी राजो जी चेड़ायो दे को दे बाला जी सेवे अंधेराई गए देनी ऐसा मोड़ का बाबा तारी वो सकड़ाई वो चारू कोटे मैं वाला जी सोर जी तो सामू
न्या को दे रो वाला जी ने वेण कर लोगे सा अमोलाई का वावा तारी वो से कड़ा चकुंदर की सब्जी बनती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। अभी अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, छोटे ही हैं। इतने चकुंदर ले लिए हैं और थोड़ी सी गाजर ले लेती हूँ। थोड़ा सा धनिया और पालक मैंने पहले से लेकर रेडी रखा है, तैयार है। इनकी पालक की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी सी गाजर भूज लेती हूँ। देखो हमारे खेत में इस तरह से गाजर बन जाती है। ये गाजर तैयार हो गई है। अभी तैयार नहीं हुई है, छोटी छोटी है। ये भी छोटी है, गाजर बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इसकी सब्जी बना सकते हैं। गाजर का हम लोग हलवा भी बनाते हैं, लेकिन ये हलवा बनाने के लिए अभी तैयार नहीं हुई है क्योंकि ये बहुत छोटी है। सब्जी अच्छे से बन जाती है इसकी, तो मैं इस गाजर की आज सब्जी बनाऊंगी। सब्जी के लिए इतनी गाजर काफ़ी है। मैंने गाजर ले ली है और ये चकुंदर ले लिए हैं। दो दिन की सब्जी ले ली, दो वक्त की। एक टाइम गाजर की बना लूँगी, एक टाइम चकुंदर की। इसमें धनिया और पालक है। ये इधर गोभी लगी हुई है, लेकिन हमारे खेत में देखो हमने गोभी भी बाहर रखी है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई है। उधर पालक है, धनिया है, लहसुन है, मटर भी है। इधर एक दो मूली भी ले लेती हूँ खाने के लिए। सारी चीज़ उगा रखी है हमने, बाज़ार से नहीं लाते हम लोग, घर पे ही हमारे खेत में ही उगाते हैं और यहीं से खाते हैं, बाजार से नहीं लाना पड़ता है। मेरे
सब्जी बाजार से नहीं लानी पड़ती है, शुद्ध सब्जी खाते हैं। ये ले लेती हूँ मैं, अब घर की ओर चलती हूँ। खेत में आते हैं तो बहुत सारी सब्जी लेके जाते हैं।